देखिए, हमने हमारे यहाँ जो है इकाई में सबसे पहले मॉड्यूलर रोटी तैयार की जानी है, जो इस दौरान जितने भी आई के केस हैं उनके ऑपरेशन के लिए हमने नई बिल्डिंग में अपने और ओटी के साथ अलग से एक ओटी है, उसको वो भी मॉड्यूलर ओटी है, उसमें हमने शिफ्ट कर दिया है। वहाँ पर प्रत्येक दिन आंखों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ टोटल कितनी ओटी हैं और उनको कितनों को मॉड्यूलर किया जा रहा है अभी? हमारे यहाँ पर इनके अतिरिक्त जो है 3 ओटी और हैं जिनको सभी को मॉड्यूलर में कन्वर्ट किया जा रहा है। एक जनरल सर्जरी की ओटी है, एक प्लास्टिक सर्जरी और ENT की सर्जरी के लिए है एक ओटी, और एक आर्थोपेडिक सर्जरी के लिए, तो कुल 3 और ये हैं, इनको भी जो है हम लोग मॉड्यूलर में कन्वर्ट किया जाना है और इसकी कार्रवाई अब चल रही है। अच्छा। जब आई की ओटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके तुरंत बाद इनको जनरल ओटी और जो प्लास्टिक सर्जरी की है इनको हम कन्वर्ट करेंगे। सर, आपके यहाँ किस तरह के पेशेंट सबसे ज़्यादा आते हैं जिनकी सर्जरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मॉड्यूलर ओटी की? देखिए, मॉड्यूलर ओटी एक तरीके का एक सेफ प्रोसीजर, सेफ ओटी है जिसमें इन्फेक्शन वगैरह के लीस्ट चांस होते हैं, सबसे कम चांस होते हैं, एवं हवा का वेंटिलेशन बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी कभी भी किसी तरह का इन्फेक्शन ऑपरेशन के दौरान न हो सके मरीज के ऊपर। हमारे यहाँ जहाँ तक सर्जरी की बात है, सबसे ज़्यादा जनरल सर्जरी के केस होते हैं, जनरल जो केस हैं सर्जरी के, और उसके पश्चात हमारे आर्थोपेडिक के भी केस बहुत होते हैं। अच्छा, आई सर्जरी जो अभी फ़िलहाल जनरल सर्जरी वाली मॉड्यूलर ओटी में हो रही है, वहाँ प्रतिदिन में कितने पेशेंट आ जाते होंगे? लगभग प्रतिदिन हमारा एवरेज 6-7, मतलब इस दौरान 10 के आसपास जो है प्रतिदिन कैटरेक्ट वगैरह मोतियाबिंद के ऑपरेशन हम लोग करवाते हैं।